Hello everyone, I'm Reaction Best. Welcome back on my YouTube channel. And this is Mesh Reaction, and today's topic is inverse of matrix. This is our third topic or third video on matrix. In first video we are discuss about the minus and cofactors, and second video we discuss about the cofactors, and in the present video we are going to discuss about the inverse of matrices. And A inverse का फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, A इनवर्स इक्वल वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए. यस वी विल क्लियर अबाउट दैट कि मेरे पास इनवर्स फॉर्म करने के लिए डिटर्मिनेंट होना चाहिए और एडजॉइंट होना चाहिए. बट वी हैव टू नोट इट डाउन अबाउट दैट ए इनवर्स जो है फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए. मीन्स हम लोग जो यहाँ इनवर्स फाइंड करेंगे वो इनवर्स फाइंड करने के लिए जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए. तो इसे कहते हैं नॉन सिंगुलर. अगर किसी का डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स, और किसी का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता है ना तो उसे बोलते हैं नॉन सिंगुलर. तो यहाँ पर जो इनवर्स है वो नॉन सिंगुलर का एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना. तो सबसे पहला फर्स्ट होना चाहिए था इनवर्स फाइंड करने के लिए वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आनी चाहिए. अगर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट यहाँ जीरो आ जाएगी तो फिर यहाँ से इनवर्स फाइंड नहीं हो पाएगा. तो जरा देखो, हम लोगों ने डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर रहे हैं. अगर ये जीरो हो जाएगा तो वन बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, तो इसका आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना. तो फर्स्ट थिंग जो नोट करनी है इसके अबाउट इनवर्स के लिए, तो वो ये था कि डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है ना. पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा बट जीरो नहीं चलेगा, ठीक है ना. क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो ये सारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है ना. तो इसलिए ये था एग्जांपल लिया था जिसका हमें इनवर्स फाइंड करना था, वन टू वन माइनस वन 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 माइनस थ्री एंड वन. तो यहाँ डिटर्मिनेंट तो निकालना सबको आता ही होगा, ठीक है ना. तो हमने बस वही प्रॉपर मेथड जो भी होता है डिटर्मिनेंट का उससे फाइंड किया, और ये टेन आया, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से हम वी आर श्योर अबाउट दैट कि हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना. जो यही एक पार्ट है डिपेंड करता है कि हम इसके इनवर्स फाइंड कर सकते हैं या नहीं, वो होता है डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना. तो डिटर्मिनेंट यहाँ पर टेन है जो कि नॉन जीरो है, तो फिर हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं. तो फर्स्ट पार्ट तो आ ही गया था, बचा इसका सेकेंड पार्ट एडजॉइंट फाइंड करना. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम शॉर्ट तरीके से और बहुत ही जल्दी विद इन 15 to 20 सेकेंड एडजॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना. तो दोबारा से हम उसी मेथड का यूज़ करेंगे एडजॉइंट फाइंड करने के लिए, ठीक है ना. तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए जो प्रीवियस वीडियो में देखा था भाई प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, इसके लिए हम क्या कहा था, जो भी ये हमको ए गिवन है मैट्रिक्स उसे पहले से लिख लेते हैं, ठीक है ना. आफ्टर दैट ये इसका फर्स्ट कॉलम है और ये इसका था सेकंड कॉलम. तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को दोबारा से लिखना पड़ता है, रिपीट करते हैं, ठीक है ना. जो हमने शॉर्ट ट्रिक बताई थी एडजॉइंट फाइंड करने की उसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना. तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को फिर से लिखेंगे. तो फर्स्ट कॉलम है वन टू वन, तो यहाँ लिखा जाएगा वन टू वन. सेकेंड कॉलम है माइनस वन वन, तो यहाँ लिखते हैं माइनस वन वन एंड वन, ठीक है ना. आफ्टर दैट क्या करेंगे इसके बाद हम लोग को, ये है फर्स्ट रो और इसके बाद ये रही है सेकंड रो. फर्स्ट और सेकंड दोनों ही रो को भी रिपीट करना पड़ता है. तो फर्स्ट रो क्या है, वन माइनस वन 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 माइनस वन, तो यहाँ लिखेंगे वन फिर माइनस वन फिर वन फिर वन फिर माइनस वन, ठीक है ना. इसे रिपीट किया. इसके बाद सेकंड रो को रिपीट, सेकंड रो क्या है टू वन माइनस थ्री टू वन, इसे रिपीट करेंगे यहाँ. तो यहाँ क्या लिखा जाएगा इसके लिए, यहाँ लिखेंगे टू वन माइनस का थ्री टू और वन, ठीक है ना. फिर इसके बाद हमने बताया था इसके लिए क्या करते हैं, इसके बाद कर लेते हैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देते हैं, ठीक है. इसके बाद जो बचा हुआ है ना, इससे हमें अपनी एडजॉइंट की वैल्यू मिले, ठीक है ना. तो उसके एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, बताया था कि सबसे पहले ये मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस ये, फिर ये मल्टीप्लाई माइनस ये मल्टीप्लाई माइनस ये करेंगे, ठीक है ना. तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो भी आंसर आएगा उसे हम लोग फर्स्ट रो में लिखते हैं, ठीक है ना. इस हम इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं. अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा तो पहले वाले वीडियो देख लें, उसमें सिर्फ एडजॉइंट ही बताया हमने, ठीक है ना. बहुत ही अच्छी तरह समझाया था, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. उसके बाद ये वाली वीडियो देखें. तो यहाँ कितना आएगा, ये वन और ये माइनस का थ्री आएगा, और माइनस करते हैं. डिटर्मिनेंट का प्रोसेस क्या हो जाएगा, मान लो ये वन माइनस थ्री वन वन लिखा था, इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये आएगा वन और प्लस का थ्री हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा फोर. बस वही लिखना है, वही हम लोग करते हैं. तो यहाँ से बहुत जल्दी से हम लोग यहाँ क्या एडजॉइंट लिख लेते हैं, प्रीवियस वीडियो को देख के एडजॉइंट सॉल्व करके यहाँ लिखना. तो हम एक लोग समझा देते हैं, तो ये आएगा वन और ये प्लस का थ्री, तो यहाँ हो गया फोर. इसके बाद ये कितना आएगा, वन और ये निगेटिव वन आएगा तो पॉजिटिव वन हो जाएगा, तो वन और वन कितना हो गया, ये टू. इसके बाद ये थ्री हो गया और माइनस वन, तो यहाँ कितना आ जाएगा टू, ठीक है ना. इसके बाद हम ये जल्दी से फिल कर रहे हैं अभी, ठीक है ना. तो ये बची हुई एंट्रीज थी, फाइव जीरो फाइव माइनस फाइव जीरो फाइव और वन माइनस टू और थ्री, ठीक है ना. तो एडजॉइंट फाइंड करना तो आता ही है, ऐसे यहाँ से हमने वाली एंट्री फिल कर देंगे. इसके बाद मेन टॉपिक था इनवर्स फाइंड करना. तो इनवर्स के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे यहाँ से, अब ए इनवर्स इक्वल वन बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इंटू में लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए. तो मेरे पास अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी आ चुकी है, एडजॉइंट की वैल्यू दोनों को पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. तो वन बाई डिटर्मिनेंट कितना आया था, टेन, ठीक है ना. डिटर्मिनेंट टेन था और एडजॉइंट ये लिखा हुआ है, बस यहाँ से लिख देते हैं, यही हो गया आंसर ऑफ इनवर्स. तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पहले फोर टू टू, फोर टू टू, फिर माइनस फाइव जीरो फाइव, एफ देन वन
माइनस टू एन थ्री। ओके, इसके अलावा इतना कर सकते हैं, ये जो 1/10 है, मतलब यहाँ 10 का डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ हो जाएगा 4/10। जिसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ कितना आएगा, 4/10, 2/10, 2/10, -5/10, 0/10, 5/10, 1/10, -2/10 और 3/10। वो भी कर सकते हैं और ये भी, ठीक है, तो दोनों एक ही बात है। अगर आप सॉल्व करना चाहें 1/10 का, सब जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज यहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये था इनवर्स फाइंड करना, ठीक है ना। ओके, तो आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दें इस बार, तो ठीक है, थैंक यू।